हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं हूँ तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2.9। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड कैसा होते हैं? ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। सेप्रोफाइटिक कौन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, डिकम्पोजर करते हैं। तो ये एक क्या हो गए, डिकम्पोजर ग्रुप की हो गई। ये कौन करता है? डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर करता है। तो ये डिकम्पोजर टाइप का क्या है, प्रोटिस्ट है। और अभी हम देखते हैं इनका बॉडी जो मूवमेंट करता है, इनका बॉडी जो क्या करता है, जो मूव करता है, मूवमेंट जो करता है किसको लेके करता है, सड़ने वाले, डिकेइंग मतलब जो सड़ जाता है, तो सड़ने वाले टहनिया को लेके करता है, ट्विग्स, टहनिया को लेके ये क्या करता है, अपना क्या करता है, मूवमेंट करता है, अपना मूवमेंट करता है, बॉडी का मूवमेंट। और लीफ क्या छोड़ता, क्या है छोड़ता, क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थों को छोड़ देता है। तो यहाँ पे ऑल टोटल यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, इनका बॉडी मूवमेंट करता है सड़ने वाले टहनिया को लेकर और छोड़ता है ऑर्गेनिक दिया है, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को छोड़ के ये क्या करता है, अपना बॉडी का मूवमेंट करता है। तो इतने दूर तक आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मोडियम जो होता है वो स्वीटेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन में कैसा होता है। तो स्वीटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या फॉर्म करता है, फॉर्म एन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब क्या है, एक समूह है, एक समूह, समूह, उस समूह को क्या नाम दिया जाता है, उस समूह को नाम दिया जाता है क्या, प्लाज्मोडियम। और वो प्लाज्मोडियम क्या होता है, ग्रो और स्प्रेड होता है, बढ़ता है और लंबा होता है, कितना, सेवरल फुट। फुट यहाँ पे अगर प्लूराल में लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिट, सेवरल फुट। तो कुछ फीट तक ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, क्या, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हम किसको बोले, जो एग्रीगेशन फॉर्म होता है स्वीटेबल कंडीशन में उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और वो बढ़ता है और चौड़ा हो जाता है, कितना, सेवरल फीट, कुछ फीट तक। और अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या होता है, डिफरेंटिएट्स हो जाता है, तो अलग हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अलग, अलग हो जाता है। और क्या होता है, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, क्या फॉर्म करता है, एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है। और वहाँ पे वो क्या बियर करके रखता है, क्या पकड़ के रखता है, स्पोर, स्पोर पकड़ के रखता है, कहाँ पे, एट द टिप, ऊपर अग्र भाग में वो क्या पकड़ के रखता है, स्पोर पकड़ के रखता है। तो इतना दूर पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं जो वहाँ पे टिप में जो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या प्रेजेंट होता है, जो स्पोर बियर करता है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे वो स्पोर में क्या होता है, ट्रू वाल्स रहता है, स्पोर में क्या रहता है, ट्रू वाल्स रहता है। और क्या वो करता है, रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करता है, क्या, कौन प्रतिरोध करता है, स्पोर जो होता है वो प्रतिरोध करता है। और सर्वाइव, जिंदा होता है मेनी ईयर्स, बहुत साल तक जिंदा होता है, कहाँ पे, एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में ये बहुत साल तक जिंदा हो सकता है। एडवर्स कंडीशन मतलब जो प्रतिकूल परिस्थिति जो होता है उस समय में। और क्या होता है, स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, स्पोर जो होता है वो डिस्पर्स होता है, फैलता है किस माध्यम से, एयर मीडियम, एयर, एयर मीडियम से ये स्पोर फैलता है। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर होता है एंड हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहना, लाइक भी करते रहना और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हमारे वीडियोस को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।